चले तो जो कल हम बताए थे उसको एक बार रिवाइज करा देते हैं आपको। जो हमारा पाइनस होता है वो किस किंगडम में आता है, तो प्लांटी। डिवीजन इसका क्या होता है, तो आप बताओगे थैलोफाइटा या पेरोफाइटा। क्लास की बात करें तो जिम्नोस्पर्मी में आता है। ऑर्डर इसका क्या होता है, कॉनिफरेज। फैमिली इसकी पाइनेसी थी और जीनस इसका पाइनस था। ये सब आपका खत्म हो चुका था कल। पाइनस किस फैमिली में रखा गया, तो पाइनेसी फैमिली में रखा गया। इसका ऑर्डर क्या है, कॉनिफरेज। मेंबर ऑफ दिस ऑर्डर आर लार्ज ट्री विथ अनब्रांच स्टेम। ब्रांच कौन सा होता है, तो साइकस का होता है, ये पहले ही बता चुके हैं। लीफ्स इसकी सिंपल होती है और पिनेकोजाइलिक होती है। अब बात करते हैं इस पाइनस की स्पीसीज के बारे में। तो आपको एक टर्म बताए थे गरिमा, उस गरिमा से आपको और टर्म याद कर लेना है। जी से होता है पाइनस जिराडियाना, ए से होता है पाइनस अरमांडी, पाई एम से होता है पाइनस मरकुशी, और आई से होता है पाइनस इंसुलरिस फिलिप्चियाना। ये सारा चीज हो गया था। प्लांट बॉडीज का कैसा होता है ये भी सब डिस्कस हो गया था। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो था इसका एनाटॉमी के बारे में हम पढ़ते थे। तो इसके एनाटॉमी के बारे में देखा जाए, इन ट्रांसवर्स सेक्शन द नीडल ऑफ, मतलब पहले बताए थे कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, ट्रायंगुलर शेप में होता है, या बताओगे ये ट्राई फोलियर स्पर होता है। नीडल शो जीरोफिटिक कैरेक्टर, तो जो इसका नीडल होता है ये क्या स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं, पाइनस की नीडल है, और ये जीरोफिटिक कंडीशन कैसे शो करता है, तो इसको हम बताए थे कि क्यूटिकल की मोटी लेयर होती है और संकेन स्टोमेटा होता है, और हाइपोडर्मिस की मोटी लेयर होने के कारण और पैलिसेड सेल स्पॉन्जी सेल्स के कारण ये जीरोफिटिक कंडीशन शो करते हैं। एपिडर्मिस एट अ प्लेस इज इंटरप्टेड बाई द संकेन स्टोमेटा थ्रू आउट द सर्फेस। ईच स्टोमेटा हैज टू गार्ड सेल एंड टू सब्सिडरी सेल। तो यहाँ पे हम बताए थे कि यहाँ पे दो गार्ड सेल होंगे और दो सब्सिडरी सेल्स होंगे। आई थिंक ये पहला पेज हो गया था, मैं सेकेंड पेज पे चलना था। ये देखो, मेसोफिल्स लाइज बिटवीन द हाइपोडर्मिस एंड एंडोडर्मिस। तो मेसोफिल कहाँ लाई होता है, मतलब कहाँ पे दिखता है, तो हाइपोडर्मिस और एंडोडर्मिस के बीच में। तो ये जो हमारा है ये है एंडोडर्मिस ये वाला, और ये वाली जो लेयर है वो क्या है, हमारी एंडोडर्मिस और हाइपोडर्मिस। तो ये एंडोडर्मिस है और ये हाइपोडर्मिस है। तो हाइपोडर्मिस और एंडोडर्मिस के बीच में जो ये फूल नुमा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये फूल लाइक स्ट्रक्चर, ये सारे हमारे क्या है, मेसोफिल सेल्स हैं। और इसी मेसोफिल सेल्स के अंदर हमें क्या दिख रहे हैं, क्यूटिकल्स वगैरह दिख रहे हैं। तो यही लिखा हुआ है कि इट इज़ वेल डेवलप्ड टिश्यू एंड मेसोफिल सेल्स आर थिन वॉल पैरेन्काइमेटस पॉलीगोनल, आप या फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हो पॉलीगोनल शेप में है तो, एंड कॉम्पैक्टली अरेंज कंटेनिंग अबंडेंट क्लोरोप्लास्ट एंड स्टार्च एंड ग्रिल। ये बोल रहा है सेकेंड पॉइंट कि वेल डेवलप्ड टिश्यू होता है इसके अंदर, मेसोफिल सेल्स होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, पैरेन्काइमेटा सेल्स होता है फुल। ये फ्लावर लाइक स्ट्रक्चर जो दिख रहा है इसमें क्या होता है कि जो सेल होते हैं पॉलीगोनल शेप में होते हैं, और ये क्लोरो जैसे ये पूरे लार्ज लार्ज मात्रा में, ढेर सारी मात्रा में अरेंज करते हैं, ठीक है। इनर वॉल ऑफ दिस सेल इज नोन एज, कौन है भाई, हाँ, तो इनर वॉल ऑफ दिस सेल्स आर नोन एज फैलेंजेस और फोल्ड्स। दीज फोल्डिंग इंक्रीज द फोटोसिंथेटिक एंड रिस्पायरेटरी एरिया ऑफ सेल। तो ये बोल रहा है कि द इनर सेल ऑफ दिस सेल इज नोन एज फैलेंजेस फोल्ड एंड दीज फोल्डिंग इंक्रीज द फोटोसिंथेटिक एंड रिस्पायरेटरी एरिया ऑफ सेल। जो इनर वॉल सेल इसके अंदर जो प्रेजेंट हैं वो सारे इसके फोटोसिंथेटिक जेन को एक्सपेंड करते रहते हैं, तभी तो इसकी जो आउटर लाइन जो आउटर मोस्ट जो इसका स्ट्रक्चर है वो तो क्यूटिकल से ढका हुआ है। जाहिर सी बात है ग्रीन होने के लिए तो फोटोसिंथेटिक जीन, अब कोई भी प्लांट होता है, अब साइकस वाला ऐसा थोड़े ना कि वो ब्राउन कलर का होता है, ग्रीनिश कलर का ही होता है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर फोटोसिंथेटिक जोन प्रेजेंट होता है और फोल्डिंग्स में प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे फोल्ड में। फ्यू रेजिन कैनाल ऑल्सो प्रेजेंट इन द मेसोफिल रीजन टुवर्ड द हाइपोडर्मिस। तो ये बता रहा है कि कुछ रेजिन कैनाल भी प्रेजेंट रहते हैं हाइपोडर्मिस के। हाइपोडर्मिस हमारे यहाँ पे है और यहाँ पे देखोगे तो रेजिन कैनाल आपको मिलेंगे। ये देखो ये छोटे छोटे फूल नुमा स्ट्रक्चर, ये देखो ये वाले जो जीवा भाई, यहाँ पे देखो ये वाले छोटे 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 हैं, ये हमारे क्या है रेजिन कैनाल से, जो ग्रीन में पीला कलर का गोला गोला दिख रहा है यही। तो ये बोला कि फ्यू रेजिन कैनाल आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द मेसोफिल रीजन टुवर्ड द हाइपोडर्मिस। तो हाइपोडर्मिस जो रीजन है उसके जस्ट नीचे ही क्या होगा, जो हमारा जो मेसोफिल सेल है उसी के अंदर हमारा क्या पाया जाएगा, जितना रेजिन कैनाल पाए जाएंगे, रेजिन सेल्स और टैनिन सेल। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो देखा जाए तो द वेस्कुलर सिलेंडर इज सराउंडेड बाई द सिंगल लेयर एंडोडर्मिस। तो देखो अब जो हम बात करेंगे, अब तो हम वेस्कुलर सिस्टम के बाद में बात करेंगे। तो वेस्कुलर सिस्टम किसके अंदर होता है, तो इतना ध्यान दे देना किसके अंदर, तो एंडोडर्मिस के अंदर हमारा क्या होता है, वेस्कुलर सिस्टम होता है।
और जाइलम अंदर की तरफ है, फ्लोएम उसके ऊपर है, कंजॉइंट कोलेटरल सारा कंडीशन हम बता चुके हैं, अंदर है तो एंडार कंडीशन, बाहर है तो एक्सार कंडीशन। तो जो पहला पॉइंट दिख रहा है, वेस्कुलर सिलेंडर इज सराउंडेड बाय द सिंगल लेयर एंडोडर्मिस, सेल ऑफ एंडोडर्मिस आर बैरल शेप विद प्रोमिनेंट कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती है। तो ये बोल रहा है कि जो वेस्कुलर सिलेंडर जो होते हैं कि वो एंडोडर्मिस के अंदर ही सारे वेस्कुलर सिस्टम रहेंगे, इसके कहने का तात्पर्य ये है, और बैरल शेप में होंगे। तो ये भी देखिए बैरल शेप में दिखे रहे हैं आपको, ट्रेंगुलर से थोड़ा बहुत बैरल शेप में जो दिखता है। जस्ट बिलो द एंडोडर्मिस इज अ मल्टी लेयर पैरेन्काइमेटस पेरिसाइकिल, वेस्कुलर सिलेंडर ऑल्सो पोजेस टी शेप। तो ये देखो आपको टी शेप दिख रहा है एक्चुअली में, वेस्कुलर सिलेंडर जो है वो टी शेप में दिख रहा है ऐसे, और भाई ये ट्रेंगुलर शेप में है तो टी शेप में दिखेगा ही ऐसे, देखो टी शेप में जो इसका स्ट्रक्चर है बीच में टी शेप में। तो यही बोल रहा है कि जो वेस्कुलर सिलेंडर होता है जाइलम फ्लोएम वाला पोर्सन, वो टी शेप में अरेंज रहता है। ट्रांसफ्यूजन टिश्यू इज ऑल्सो फाउंड, इसके अंदर ट्रांसफ्यूजन टिश्यू भी होते हैं, और ईच वेस्कुलर बंडल इज कंजॉइंट कोलेटरल ओपन एंड डार्क। तो मैं पहले ही बता चुका जो लास्ट लाइन बोल रहे कि कंजॉइंट किसको बोलते हैं, कोलेटरल किसको बोलते हैं, एंड डार्क। तो ये जो पिंक कलर का होता है वो जाइलम है, उसके ऊपर जो फ्लोएम अटैच है तो सेम रेडियस अटैच है, उसको बोलेंगे कंजॉइंट। सेम रेडियस पे बोलेंगे तो वो बोलेंगे कोलेटरल बोलेंगे, और कंजॉइंट मतलब कि दोनों जाइलम फ्लोएम एक साथ जुड़े हुए, दोनों वर्ड एक ही साथ आ जाते हैं। और एंडार्क का कंडीशन है कि जब जाइलम अंदर की तरफ है तो एंडार्क का कंडीशन बनाएगा। तो इस लाइन का कहने का मतलब यही है कि पाइनस के निडल क्या बना रहा है, इसको तो आप पहले ही लिख सकते हो आराम से। एक बार पाइनस के निडल का स्ट्रक्चर आप देख लो, तो पहला वाला जो लेयर होता है क्यूटिकल की लेयर होती है, क्यूटिकल की लेयर है। जस्ट क्यूटिकल के बाद हमारा क्या होता है कि एपिडर्मिस होता है, एपिडर्मिस नहीं दिखा है लेकिन एपिडर्मिस आप डोनेट कर सकते हो। एपिडर्मिस के बाद जो मोटा स्क्लेरेन्काइमेटस जो सेल होता है हाइपोडर्मिस का होता है। इसी हाइपोडर्मिस के बाद अब क्या होता है, ये फुल नुमा स्ट्रक्चर जो दिख रहे हैं ये मेसोफिल सेल्स वगैरह प्रेजेंट है, और मेसोफिल्स के सेल्स के अंदर ये गोले 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 देखो यहाँ पे जो दिख रहे हैं, यहाँ पे दिख रहे हैं ये टेनल सेल्स है, छोटा क्यों हो गया देखो, ये जो हमारे स्ट्रक्चर ये टेनल सेल्स जितने ये टेनल सेल्स है, और ये हमारा क्या संकेन स्टोमेटा है, और दो गार्ड सेल्स इसके अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, अब बात करते हैं इस स्ट्रक्चर को आगे भी। तो ये देखिए इसके अंदर और क्या प्रेजेंट है, तो ये उसके बाद अब जो जितने ये वेस्कुलर बंडल है किसके अंदर है, तो एंडोडर्मिस के अंदर, ये वाली जो दिख रही है एंडोडर्मिस है ये वाली लाइन, और इस एंडोडर्मिस के अंदर आपको क्या दिख रहा है, फ्लोएम दिख रहा है और जाइलम दिख रहा है, और जाइलम के बाद उसका जो वेस्कुलर बंडल एंडार्क का कंडीशन है, और ये टी शेप के स्ट्रक्चर में दिख रहा है। तो आप इसको आराम से बना के अपने से भी लिख सकते हो, बस इस स्ट्रक्चर को आपको समझाना था कि ये टी शेप में होता है। पहला लेयर क्यूटिकल की होती है जो जेरोफिटिक कंडीशन को शो करती है, फिर उसके बाद क्या होता है कि एपिडर्मिस फॉलो करती है, एपिडर्मिस के बाद मोटिस क्लोरेंटामेटोसल के हाइपोडर्मिस फॉलो करती है, और इसी लाइन से अटैच रहती है हमारी ये सब सेल्स हैं। कौन सी सेल, ये हमारी हैं ठीक है, टेनिन सेल, रेजिन सेल्स और टेनिन सेल्स होती हैं। फिर उसके बाद हमारी मेसोफिल सेल्स होती हैं जो पॉलीगोनल शेप में हैं, फिर पॉलीगोनल शेप में उसी में आपको क्या दिख रहे हैं, छोटे छोटे और भी क्लोरोप्लास्ट वगैरह भी दिखते हैं इसके अंदर। फिर उसके बाद बताते हैं कि जो वेस्कुलर बंडल है वो एंडोडर्मिस के अंदर होता है, तो बता हुए कि एंडोडर्मिस के अंदर ये वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट रहता है, उसमें टी से वेस्कुलर बंडल अरेंज होते हैं, और इसका कंडीशन जो होता है जो वेस्कुलर बंडल होता है डार्क और कोलेट्रल और ओपन टाइप का होता है। तो ये आपको स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है अगर एग्जाम में आएगा तो, या एमएससी किसी भी एंट्रेंस में आता है, तो आप स्ट्रक्चर को समझ चुके हैं, आप कर लेंगे आसानी से। ठीक है, एक बार स्ट्रक्चर को देख लो, पूरे स्ट्रक्चर को जो आपको सेक्शन कटवाया जाएगा, जो स्ट्रक्चर आपको देखने वाले, ये देख लो आपको सब कुछ इसमें क्लियर दिख रहा है, रेजिन सेल्स और टेनिन सेल्स इसमें देखो क्लियर, ये विजिबल एकदम से, तुम्हारे ये टी से भी है, वेस्कुलर बंडल भी अरेंज दिख रहे हैं सारा चीज़, और ग्रीन कलर का आपका मेसोफिल्स भी दिख रहा है। यहाँ पे देखो ये कटा हुआ संकेन स्टोमेटा भी क्लियरली विजिबल है। नेक्स्ट स्लाइड देखो, सब कुछ आपको क्लियर है, ये देखिए रेजिन सेल्स टेनिन सेल्स वगैरह तो आपको एकदम बिल्कुल ईजिली क्लियर है इसके अंदर। ये स्ट्रक्चर आपको स्पॉटिंग में दिखाई जाती है, एक जगह एग्जाम होता है तो स्पॉटिंग इसी को देखेंगे तो ये बोलेंगे पाइनस की निडिल है। ठीक है, क्लियर है सबको, सभी लोग ज्वाइन कर लिए, मुझे लगा कोई नहीं ज्वाइन करेगा। आज है 15 तारीख, कल है 16 तारीख, तुम लोग के किस्मत की फैसला कल होगा, एग्जाम होगा कि नहीं होगा। Is it right? बोलो, क्लास खत्म हो गई है,
मैं भी जान लाइटली इसलिए बढ़ा रहा हूँ ना, मैं इंतजार कर रहा हूँ तुम लोग को प्रमोशन मिले जल्दी से। अब नहीं बोलेंगे, जब बोलेंगे बोलेंगे बोलो तो नहीं बोलेगा कोई, नहीं बोलेगा संदीप। बोली क्या बात, कोई न्यूज़ है तुम लोग को मिली? नो सर, अभी नहीं मिली। तब क्या मजे करो तुम, एकदम मस्त रहो एकदम। क्या सर, एग्जाम बढ़िया होगा? रहेगा पेपर हो तब प्रमोशन हो जाए। हाँ मैं तो बोल रहा हूँ 100% चिल्ला के बोल रहा हूँ, चांस है प्रमोशन मिलेगा। एग्जाम नहीं करा पाएंगे लोग। तो सर बढ़िया क्या रहेगा, एग्जाम हो तब। देखो दिक्कत ये है कि एग्जाम हो तो जाते बेटर रहेगा, एग्जाम रहेगा तो होगा तो बेटर इसलिए रहेगा क्योंकि अब ये होता है कि ये बाद में बच्चों का काट छाट करेंगे। एक्चुअली में रूल रेगुलेशन तो नहीं बोलते हैं, कोई बोलेंगे नहीं, लेकिन एक होता है ना जो फॉर्मा, ये लोग करते क्या है कि 600 का बैच बनता है हर जगह पे, हर बैच में 104 110 बच्चे रहते हैं, लेकिन ये लोग लेके कितने को जाते हैं कि 600 बच्चों में से सिर्फ 150 पास आउट होते हैं फर्स्ट ईयर में। हमारे टाइम में 150 या 180 बच्चे पास हुए थे हमारे यहाँ, 180 बच्चों में से अब बाकी लोग चले गए थे। तो उसमें क्या होता कि तुम्हारा जज होता कि कौन बीएससी को कर ले जाएगा और कौन नहीं कर पाएगा। अब ऐसे क्या होगा कि अभी तुमको प्रमोशन दे देंगे सबको और सेकेंड ईयर में गए तो सबको फेल कर देंगे। तो जो जिसका पहले ही साल में पता चल चुका था भाई हम नहीं कर पाएंगे, एक्चुअली में बीएससी बहुत टफ है, बीएससी को लाइटली नहीं लेना लगा। बीएससी बीए और बीएससी में बहुत अंतर है। बीएससी के स्टूडेंट मतलब आपको पूरी तरह से तैयार रहना होगा, अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से 55% पाते हैं तो बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं आप। यस तो हाँ इस हिसाब से जज होता है ना। तो एक्चुअली में क्या होता है कि अगर प्रमोशन कर देंगे तो सबको लेके चले जाएंगे एक साथ, फिर क्या करेंगे सेकेंड ईयर में सबको फेल कर देंगे। तो जिसका भाई एक साल में पता चलने वाला था उसको तो भाई 2 साल तो खराब कर दिया ना ये। तो उसके तो मेरा तो मानना था कि भाई ऑनलाइन ही एग्ज़ाम करा लें, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ तो अब ये सोच लेंगे ना कि भाई चलो ऑनलाइन एग्ज़ाम है और ये नंबर हमें दे देंगे आसानी से। नहीं बिल्कुल नहीं, थर्ड ईयर वालों का इम्प्रूवमेंट ऑनलाइन हुआ है ना, जो पता चला इम्प्रूवमेंट बच्चे भरे हैं, 35 नंबर का पेपर होता है 25 नंबर पाए थे, सोचे कि चलो भाई ऑनलाइन होगा पूरा मिल जाएगा। तो ये जो यहाँ पे रूल यही है कि जो तुम पाए हो नंबर, अगर एग्ज़ाम दिए तुम पाए गए 33 में से 25 नंबर और तुम इस लोभ में चले गए चलो भाई इम्प्रूवमेंट डाल देते हैं ऑनलाइन एग्ज़ाम में, तो यहाँ का रूल यही है कि अगर जो नंबर तुम इम्प्रूवमेंट पाओगे चाहे कम पाओ चाहे ज़्यादा, मार्कशीट पे वही छप जाएगी। तो कुछ बच्चों का ज़्यादा था तो वो कम हो गया। देख ये हाल होता है, मतलब अब हमारे 12th तक ये होता है ना कि तुम जो ज़्यादा वाला पाओगे वही मार्कशीट पे चढ़ जाएगा। सीबीएसई और आईसीएसई का तो यही रूल है कि भाई अब 12th में अगर कम नंबर है इम्प्रूवमेंट डालते हो तो जो ज़्यादा रहेगा इम्प्रूवमेंट वाला अगर ज़्यादा रहेगा तो वो छपेगा, अगर पहले वाला ज़्यादा तो वो छपेगा। लेकिन यहाँ पे एकदम रिवर्स चलते हैं, भैया तुम इम्प्रूवमेंट डाल रहे हो अगर तुम्हारा कम आ गया तो कम ही वाला चढ़ेगा। तो अगर ये ऑनलाइन में इतना कम दे दे रहे हैं तो फिर सोचो। मैं तो कह रहा हूँ भाई कि एग्ज़ाम ले लो, लेकिन एग्ज़ाम होगा नहीं, टेंशन ना लो तुम लोग। लेकिन जो तुम लोग का सेकेंड ईयर में जो ज़रूरी वाला पोर्शन होगा जैसे केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में कुछ हैं और बॉटनी में कुछ हैं, उसको टच करके और 16 को जैसा पता चलता है उसको टच कर लिया जाएगा, क्या दिक्कत। बाकी क्या छोड़ रहे हैं शिवांगी, कोई क्वेश्चन है क्या तुम्हें? जो अभी पढ़ाया एक बार बता दीजिए। सर नहीं समझ में आया स्ट्रक्चर और नहीं समझ में आया तुम्हें सिखाने, एक मिनट। अभी अभी ज्वाइन किए हैं ना इसीलिए। अभी अभी ज्वाइन किए हैं तो वही तो था वो पाइनस वाला जो स्ट्रक्चर था पाइनस के निडल का, उसी को बस क्या कल तो एक वन लैंग्वेज में बता ही दिए थे। अच्छा सुन लो, पाइनस का अगर कोई भी एक स्ट्रक्चर मान लो तुम्हें पाइनस का लिखना है तो क्या लिखोगे? सब तुम्हें अगर तैयार नहीं है स्ट्रक्चर को आपको समझ में आता है तो बस शुरू हो जाओ बोलो, उसका क्लासिफिकेशन करोगे, क्लासिफिकेशन करने के बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन बताओगे, वेस्टर्न घाट और नॉर्दर्न हिल से पाए जाते हैं। फिर उसके बाद जैसे आप डिस्ट्रीब्यूशन और हैबिटेट पर जैसे आए फिर बताओगे इसके जो प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफिटिक होती है। उसके बाद जैसे इसका लिखने का तरीका 6 नंबर में क्या लिख सकते हो, फिर उसके बाद आओगे जो पाइनस का खूबसूरत एक पाइनस निडल स्ट्रक्चर बनाओगे।
फिर अब डिफाइन करोगे ये जीरो फिटिक कंडीशन शो करता है, तो जीरो फिटिक के चार कंडीशन लिख दोगे, इसके अंदर संकीर्ण स्टोमेटा होता है, क्यूटिकल क्लियर होती है, मोटी हाइपोडर्मिस क्लियर होती है। फिर इसको लिखने के बाद जो हमारा तो चौथा पॉइंट होगा उसमें अब लिखोगे कि कमेंट। अब कमेंट में चालू करोगे फिगर ड्रॉ करने के बाद, पहले बोलोगे कि ये जो जेरोफिटिक कंडीशन शो करता है इसीलिए इसकी मोटी क्यूटिकल की लेयर होती है, पहला पॉइंट। फिर उसके बाद बताओगे कि इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है वो एंडोडर्मिस एपिडर्मिस होती है ना, एपिडर्मिस ही होती है ना। तो बताओगे क्यूटिकल के जस्ट लेयर के बाद, हिंदी में आपको एक्सप्लेन कर दे रहे कहानी की तरह, क्यूटिकल के जस्ट लेयर के बाद हमारी होती है एपिडर्मिस की लेयर होती है। एपिडर्मिस के बाद जस्ट हमारे क्या होते हैं कि स्क्लेरम कैमेटस की मोटी लेयर होती है जो हाइपोडर्मिस होती है, उसी हाइपोडर्मिस से क्या होता है कि टैनिन सेल्स अटैच रहते हैं, ठीक है। तो ये तो आपकी एक मोटी लेयर हो गई, और फिर बाद में लिख दोगे पांचवें पॉइंट में कि यही तीनों चारों मोटी लेयर मिलकर ये जेरोफिटिक कंडीशन को बताती हैं, शो करती हैं। फिर अब आओगे अपने कॉर्टेक्स में, तो बताओगे जो कॉर्टेक्स में हमारे क्या होते हैं कि मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट रहेंगे जो स्क्लेरेनकाइमेटा सेल्स हैं, उसके अंदर क्या होगा कि छोटे छोटे क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट है। फिर आप बताओगे उसके अंदर की जो क्लोरोप्लास्ट और आपका क्या हो गया, और जो ये सेल्स होते हैं जो मेसोफिल सेल्स वो पॉलीगोनल शेप में होते हैं, पॉलीगोनल होते हैं, ठीक है। ये बताओगे कि वो सेल्स पॉलीगोनल शेप में होते हैं। ये इतना होने के बाद अब आ जाते हैं वैस्कुलर बंडल वाले रीजन में, तो बताओगे जो वैस्कुलर, अब लिखोगे सातवां या आठवां पॉइंट में, सातवें पॉइंट में जो वैस्कुलर बंडल होता है वो किसके अंदर होता है, तो एंडोडर्मिस जो होता है उसके अंदर सारे वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं। फिर अब तो बताओगे कि